बड़ी खबर, नागपुर में जवाई ने ही धोखे से प्रॉपर्टी के कागजात पर लिए हस्ताक्षर और कर दी धोखाधड़ी। यह खबर नागपुर के अरुण पंजाब राव हिंगवे 161 विजय क्रो ऑपरेटिव सोसाइटी मनीष लेआउट के पास की दर्शाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जवाई ने धोखे में रखकर गलत तरीके से अपने प्रॉपर्टी के कागजातों पर हस्ताक्षर ले लिया। जानकारी के मुताबिक हमें पता चला कि अरुण हिंगवे और उनका जवाई जो की है कृष्णा नामदेव देवान से दोनों ने मिलकर 1650 स्क्वायर फीट की जमीन ली थी, जिसके कारण दोनों की रजिस्ट्री एक ही में होने के कारण जहां कृष्णा देवान से ने बड़े ही चालाकी से अपने बैंक के लोन के कागजातों पर अरुण हिंगवे के हस्ताक्षर ले लिया और उन्हें बिना सूचित करके उन्हें धोखे में रखा, अपना लोन पास कर लिया और देना बैंक से लोन उठाया जो कि उसकी कीमत है 3.5 करोड़ रुपए। यह इतनी बड़ी रकम जब उठाया तो अरुण हिंगवे को अंधेरे में ही रखा गया, जिसके चलते अरुण हिंगवे को जब देना बैंक से नोटिस पर नोटिस आने लगे तो अरुण हिंगवे खुद बैंक में इस मामले की सच्चाई जानने के लिए गए और बैंक में जाने के बाद अधिकारियों ने यह घटना की पूरी जानकारी दी है कि कृष्णा देवांसे ने 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोन उठाया है। इसी बीच आपके घर में नोटिस आ रहे हैं जो कि आपके घर को सील कर दिया जाएगा। कृष्णा ने 2 से 3 बार ईएमआई भरा लेकिन फिर बंद कर दिया था, जिसके चलते अरुण हिंगवे के ऊपर तो पहाड़ी टूट गया। अरुण हिंगवे व्यवसाय में ऐसे कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं। अरुण हिंगवे ने एक एक पैसा जोड़कर बड़े ही मुश्किल से वहां अपना 2 मंजिल का मकान बनाया। साथ ही उनके घर में वह कमाने वाले एकलौते ही व्यक्ति हैं। अरुण हिंगवे की पत्नी हाउसवाइफ है और एक बेटी और एक बेटा है जो कि वहां छोटे ही हैं। यह घटना पिछले 1 वर्ष से चल रही थी। हाल ही में अभी पता चला कि 4 अक्टूबर 2019 को अरुण हिंगवे के घर पर बैंक के तौर पर सील लगाने की बात सामने आई थी। फिलहाल आचार संहिता के कारण यह रुक गया है। इसी बीच में अरुण हिंगवे के परिवार को कभी भी घर के बाहर निकलना पड़ सकता है। इसी बीच में अरुण हिंगवे को मानसिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपना परिवार को कहां लेकर निकलूं? जो भी था तो वह घर बनाने के लिए एक एक पैसा कर मैंने जोड़ा था और ऐसे परिस्थिति में मैं कैसे जिंदगी गुजारूं? यह सवाल उनके परिवार में खड़ा हो चुका है। यहां तक कि इसी की जानकारी होते हुए भी कृष्णा देवांसे ने उनसे संपर्क तक तोड़ दिया और जहां की इस मामले की जांच जब हमारी चैनल की टीम ने की तो मामला यह सामने आया कि एक तरफ अरुण हिंगवे परेशान नजर आए हुए हैं, दूसरी ओर जवाई कृष्णा देवान से मजे से जिंदगी गुजार रहा है और पता चला कि उसी के जवाई ने बेटे के नाम पर बड़ा शास्वत इंटरप्राइजेस नाम का बिजनेस शुरू कर दिया है। साथ ही प्रॉपर्टी के नाम पर कहीं मेरी गाड़ी न चले जाए इसी का डर होने के कारण उसने दूसरे व्यक्ति के नाम पर गाड़ी तक उठाई है। दूसरी ओर अरुण हिंगवे का जीना हराम कर दिया है, जा की कृष्णा देवांस के परिवार में पत्नी भी है, वह एक गवर्नमेंट डागा हॉस्पिटल में परिचारिका है। उनका नाम रंजना कृष्णा देवांस है, उनको एक लड़का है और बड़े ही सुकून से जिंदगी वह जी रहे है। आखिर कोई इतना भी रिश्तों में गिर सकता है क्या? ऐसी ऐश भरी जिंदगी जी रहे हैं। और एक बड़ी खबर सामने आई है कि जहां की हमारी टीम ने पूर्णता से अच्छे से मामले की जांच की तो और एक मामला उजागर हुआ है जो कि कृष्णा ने ही अपने ही सगे मामा ससुर को तक नहीं छोड़ा है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक यही प्रकरण जवाई ने जो कि है कृष्णा सगे मामा ससुर को भी नहीं छोड़ा। बड़े ही चालाकी से यही प्रकरण कृष्णा ने अपने कामों को लेकर मामा ससुर के रजिस्ट्री के आधार पर ही बड़े पैमाने पर लोन उठाया। मामा ससुर के पास जा जाकर हाथ पांव तक जोड़ने लगा।
उसने कहा कि कुछ ही दिनों के लिए मुझे कागजात दे दीजिए, मैं तुरंत आपको लौटा दूंगा। इसी का झांसा देकर यह प्रकरण घड़ा है। रिश्ते में ही जवाई है करके मामा ससुर ने भरोसा किया और कृष्णा को कागजात भी दे दिए। हुआ यह कि एक साल बाद मामा ससुर जो कि है मोहन गाखरे, उनकी उम्र 60 वर्ष की दर्शाई जा रही है, वह गोपाल नगर में रहते हैं। इनके साथ भी कृष्णा ने धोखेबाजी की है। जब मामा ससुर ने अपने कागजात कृष्णा को लौटाने की बात कही तो वह पूर्णता से मुखर गया और उसने एक साल के बाद बताया कि तुम्हारा घर मैंने गिरवी रख दिया है, मामा ससुर जो कि अभी हार्ट के मरीज है। इसी बीच में मामा ससुर के ऊपर भी अपना घर हाथ से निकल जाएगा, यह डर उनके पूरे परिवार में सता रहा है। देना बैंक ने भी धोखाधड़ी के आरोप में कृष्णा को घोषित कर दिया है। पेपर पत्रों में तक कृष्णा का नाम आ चुका है। रिश्तेदार है करके अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। इसी बीच में दोनों के साथ हुई धोखाधड़ी से दोनों परिवार में संताप का माहौल बना हुआ है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।